हाँ भाई, क्या कर रही है? समय ऊपर आकर पहाड़ी के ऊपर बैठी है तू? नो वुमेन बन रही है बेबी। ये क्या तुम अपने ही रास्ते बनाने में लगे पड़े हो? हैं लेनी है? वाह आगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा, हम लोग मनाली आए हुए हैं और आज हमारा थर्ड डे है मनाली में। और आज हम जा रहे हैं हामटा पास और सेथन। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है, हमें सब ने बोला है कि वो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है मनाली का देखने के लिए, क्योंकि वहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो होती है, आपको और कुछ दिखाई नहीं देता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो वहीं जा रहे हैं आज हम। वो 15 से 16 किलोमीटर दूर है मनाली से। किलोमीटर्स तो गाइज कम है, बट रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी रिस्की रास्ता है। और गाइस आप देख सकते हो, ये सारी ही ब्लैक आइस है रोड पर, जिसकी वजह से टायर स्लिप होते हैं गाड़ी के। इसीलिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का स्नो में, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके लिए। अदरवाइज़ वैसे भी वहाँ पर पुलिस का बैरियर लगा हुआ था, अगर आपके पास 4x4 व्हीकल नहीं है, वो आपको आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो अगर आपके पास 4x2 व्हीकल है, तो वहीं की गाड़ी आपको बुक करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, अदरवाइज़ आपको वो आने नहीं देते हैं। और जो बैरियर लगा हुआ था, उन्होंने हमें लिटरली एक पर्चा दिया था, एक पेपर दिया था, जिस पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि ऊपर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो आप अपने ही रिस्क पे जाएं ऊपर, और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है ऊपर आपके साथ क्या होता है क्या नहीं। तो थोड़ा हमें डर भी लगा था कि पता नहीं कैसा रास्ता है बाकी, क्योंकि हमने सोलांग वैली में गाड़ी ड्राइव की थी अपनी, तो इसीलिए लग रहा था कि हम चले जाएंगे ऊपर, बाकी देखते हैं अभी जा रहे हैं। और गाइज आप देख सकते हो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, स्नो भी बढ़ती ही जा रही थी। और पहले तो हमें ब्लैक आइस दिखाई दे रही थी, बट अब रोड बिल्कुल ही वाइट हो रहा था जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे। स्नो बहुत ही ज़्यादा थी, आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट रोड हो चुका है। वाइट रोड ओनली, खुद भी आते ही नहीं होंगे लोग ना, वही चढ़ेगी नहीं तो क्या करना, रिस्क लेने का। ये रे बेबी, इग्लू इग्लू ये रे बना हुआ है ना, इग्लू ही बोलते हैं। इसमें रहेंगे कैसे? ये साइड में रहेंगे। हमटा ये है भाई, ठंड है भी, ठंड सो लगे। गाइज़ फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अभी हम चाय पी रहे हैं और मैगी खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और आप देख सकते हो चारों तरफ आपको स्नो ही स्नो दिखाई दे रही है। और अभी हम मैगी खाने के बाद जाने वाले हैं ट्रैकिंग करने पहाड़ों में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइज़ हमने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो है। हो चलो चलो चलो, आ रही हूँ, फंस गए, चलो निकालो निकालो पैर। यस आई मम्मा, सबसे ऊपर जाओगे, डर लगेगा यार। ये बात
ये देखो भाई कितनी हाइट पे हम। वाओ होय होय। हाँ ये है रास्ता। अच्छा बता रहा हूँ। चलो चलो मेरे सीधे मत्थे में लगा आके पता तुम्हें। जल्दी जल्दी आ जल्दी मैं भी आ गया। वीडियो में मुझे लगता है इतना पता लग रहा होगा कि ऊंचे हैं। लग रहा है। ज़ूम कर धीरे धीरे, पहले ये दिखा फिर वो दिखा फिर कार दिखा। वो खड़ी हमारी गाड़ी और ये है हम यहाँ। हाँ भाई क्या कर रही है समय ऊपर आकर पहाड़ी के ऊपर बैठी है तू। नो वुमेन बन रही है। लग रही है फ्रॉक। हाँ गर्दन हो गई यहाँ पे। तिल्ली देना वो वाली अच्छे से दी। ये क्या है कान ऐसे बनती है ना। कान ऊपर किसके होते भाई। ये इसकी बिंदी लगा देती जरा सी। नेकलेस डाल दूं। अरे हाथ बनते होते हैं ये जो मैंने कान बना दिए। चल कोई नहीं हाथ ही बनाती। कान ज्यादा नहीं हो गए बड़े। ये इयररिंग ऐसे डाल ले मैंने। थैंक यू लाने के लिए मजा आ गया। ओ भाई साहब ज्यादा ही बर्फ है कुछ। और ये मैंने बनाई है स्नो वुमेन। ओए आंखें तो बनी नहीं अंधी है ये तो बेबी। एक बन रही है। नाक तो बना दिया बिंदी भी लगाई है। अच्छा, आंखें नहीं बनी। सच्ची आंख है। आंख एक शिवजी है। शिवजी की भी तीन होती है। आंखें बना दे। गाइस मैंने आंख बना दी है। अब ठीक है यार पहले अधूरी सी लग रही थी बेचारी। हाँ भाई। और ये हम वादियों में स्नो वुमेन। अभी कहाँ जाओगे इतनी ऊपर। गिरो गिरो गिरो। चले रुड़कते हुए क्या कहते हो बेबी। ये क्या तुम अपने ही रास्ते बनाने में लगे पड़े हो हैं भाई से। कहाँ जाओगे बे। हमने नीचे वापस भी जाना है यार। मान जो मान जो। आ जाओ नीचे हैं। मैं नहीं आ रही। ओए होए बेबी यार कहाँ चढ़ गए हो। ओ रंजी आओ पर। ऐसे लेनी है। वाह ये रास्ता हमने खुद बनाया भाई। मेरी स्नो वुमन दिखा दो। और ये इसकी स्नो वुमन है। देखो हम कितने ऊपर आ चुके हैं। ये रास्ते में पहाड़ दिख रहा आपको पर है नहीं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे। हम काफ़ी देर तक बैठे रहे थे ऊपर। लाइक 2-3 घंटे हमने लगाए थे यहाँ पर और काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और स्नो वुमेन बनाई। और अभी हम जा रहे हैं वापस।
और नीचे जाना काफ़ी इजी था गाइज, ऊपर जितना हमने चढ़ने में टाइम लगाया था नीचे आते आते हमें बहुत ही जल्दी हम पहुंच गए थे, काफ़ी इजी लग रहा था नीचे आना। है चलो, ओ माय गॉड कहाँ से आए यार वे भी, हम देखना ऊपर बैठे थे, ऊपर नीचे थे, ऊपर थे हाँ। इस पर तेरी स्नो थी, कहाँ से रास्ता बनाया तुमने, ये रहा रास्ता, पैर की नसी चढ़ गई थी मेरी। वो इजी रहेगा, ये कौन से इजी से चलते हैं ना, चलो टफ टू फ्रेंड, यहाँ से ना सीधे नीचे गिरते जाएंगे, पैर फिसल गया तो भाई मत करो यार, डर नहीं लगता तुम्हें, आराम से चलो, मैं और इधर से ही गिर गई थी देख लो, मैं तो उधर से आ रही हूँ भाई। आए होए गाइज, हम लोग ट्रैकिंग करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं इग्लू में स्टे करने का पता करने कि कैसे क्या चार्जेस हैं वहाँ पर, और आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा इग्लू का इग्लू की मेकिंग और टूर हम देने वाले हैं, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।